हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का मेरा वीडियो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ऊपर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। 1774 में जन्मे, उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में 22 वर्ष की छोटी उम्र में संसद सदस्य बन गए। उन्हें 1803 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने राजस्व प्रशासन पर सर थॉमस मुनरो का समर्थन किया था। 1806 वेल्लोर विद्रोह के परिणाम स्वरूप बेंटिंक की वापसी हुई। तो ये कुछ बेंटिंक के बारे में, फिर भारतीय राज्यों के प्रति उनकी क्या नीति थी। तो मैसूर के में कृष्णराज द्वितीय के तहत हिंदू शासन वेलेस्ली द्वारा बहाल किया गया था। शुरुआत में युवा राजा ने अपने योग मंत्री पुरनैया के साथ मिलकर अच्छा काम किया। बाद में जब युवा राजा ने सरकार पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया तो वह अक्षम साबित हुआ। राज्य के किसान कई शिकायतों से पीड़ित थे, कोई निवारण नहीं था। नतीजतन 1830 में किसानों का विद्रोह छिड़ गया और मद्रास की एक सेना की मदद से इसे दबा दिया गया। बहरहाल ब्रिटिश अधिकारियों ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और इसे एक आयुक्त नियंत्रण में रख दिया। राजा की पेंशन दी जाती थी। इसके बाद भारतीय राज्यों की प्रतिनिधि में आता है मैसूर। इसके बाद है आपका कुर्ग। राज कुर्ग का एक क्रूर शासक था जिसने अपने लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और अपने सभी पुरुष रिश्तेदारों को मार डाला। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उसके साथ प्रभावी ढंग से निपटने का फैसला किया और कर्नल लिंडसे को कुर्ग राज की राजधानी मरकारा पर कब्जा करने के लिए भेजा। 1834 में राजा को पदच्युत कर दिया गया और राज पर कब्जा कर लिया गया। फिर आता है रंजीत सिंह के साथ संबंध। रंजीत सिंह के साथ कैसे संबंध थे? भारत के लिए रूसी खतरे का कल्पना करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल थे, इसलिए वह पंजाब के शासक महाराणा रंजीत सिंह और सिंध के अमीरों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बातचीत करने के लिए उत्सुक था। उसकी तीव्र इच्छा थी कि अफगानिस्तान को भारत और किसी संभावित आक्रमणकारी के बीच एक बफर राज बनाया गया जाए। प्रारंभिक उपाय के रूप में पंजाब, अफगानी लाहौर और गवर्नर जनरल की सीट कलकत्ता के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ। था विलियम बेंटिंक के सुधार। तो विलियम बेंटिंक के सुधार बहुत सारे फील्ड्स में थे। पहले था वित्तीय सुधार, उन्होंने सभी अधिकारियों के वेतन और भत्ते कम कर दिए और अतिरिक्त कर्मचारियों को हटा दिया गया। उसने सैन्य विभाग से डबल बट्टा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये सब कुछ वित्त सुधार में आए थे। उसके बाद आता है इनका प्रशासनिक सुधार। तो बेंटिंक ने प्रशासनिक सुधार, उनकी राजनीतिक परिपक्वता और ज्ञान की बात करते हैं। न्यायिक विभाग में उन्होंने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। बकाया मामलों के लिए वह काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। इस कदम को निदेशकों ने आसानी से स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे उनके खर्च भी कम आए। तो कुछ कुछ सुधार इन्होंने किया। फिर समाज सुधार किया, सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा को एबोलिश किया था इन्होंने। फिर ठगों का दमन किया, कन्या भ्रूण हत्या पर भी अपनी आवाज़ उठाई थी और प्रभावी कदम भी, शैक्षणिक सुधार भी कुछ लाए थे। अंग्रेजी बात लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रशासन में की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को अंग्रेजी माध्यम से भारत के लोगों तक पहुंचाने को बल दिया। इस सिफारिश को विलियम बेंटिंक के हृदय ने स्वीकार कर लिया। 1835 में सरकारी संकल्प ने अंग्रेजों को भारत की आधिकारिक और साहित्यिक भाषा बना दिया। उसी वर्ष विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। तो ये था पूरा विलियम बेंटिंक के बारे में। विलियम बेंटिंक कौन थे, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किया और एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन आए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है इनके रिफॉर्म्स। तो गाइज आप लोग सब पढ़ लेना और सब्सक्राइब करो। अभी तक 135 हुई है और सब्सक्रिप्शन बढ़ा, आप ही लोग बढ़ा सकते हो। चलो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा हो, लाइक भी कर दो वीडियो को, शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। थैंक यू।